नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल रजिस्टर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर कंपनी, जिसके हालांकि फीचर फोन भी भारतीय मार्केट में आते हैं, लावा, जिन्होंने आज अपना एक बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च। जो यह एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और इसका नाम कंपनी ने लावा BEU रखा है। यह स्मार्टफोन नॉर्मल यूज के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अलावा यह भारतीय मार्केट में आप लोगों को ब्लैक और ब्लू कलर में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी लावा द्वारा लॉन्च लावा BEU के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस लावा BEU के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसके बैक साइड पर डुअल कैमरा, LED फ्लैश की सुविधा और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला। इसके बॉटम तल पर बैक साइड पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने मुझे काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगा एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नोट डिजाइन की डिस्प्ले मिलती है, जिस डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 85% का है। स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक ही है एक एंट्री लेवल सेगमेंट के साथ। आप लोगों को कैसा लगा, जो भी पिक्चर आपके सामने है, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.8 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले दे रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1460 पिक्सल का होने वाला है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 का है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिलने वाली। मेरे हिसाब से एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को लावा के इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को हमेशा की तरह यूनिसॉक का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पर, जिसके साथ कंपनी आप लोगों को GPU दे रही है मालिका पावर VR8320। 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया इसमें प्रोसेसर है, जिसमें आप लोगों को 4G कनेक्टिविटी के साथ साथ डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे गेम भी आप लोग प्ले कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही प्रोसेसर इसके अंदर आप लोगों को कंपनी दे रही है। अगर बात करते हैं इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉयड 10 गो एडिशन दे रही है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। और यह स्मार्टफोन अभी हाल फिलहाल में भारतीय मार्केट में एक ही स्टोरेज रैम वेरियंट के साथ लॉन्च हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही स्टोरेज और रैम इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अगर बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को डुअल कैमरा दे रही है। जो पहला है वो 13 MP का मेन सेंसर है, जिसके आप लोगों को 2 MP का सेकेंडरी सेंसर कंपनी दे रही है, जिनमें आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8 MP का सिंगल कैमरा कंपनी दे रही है डॉट नॉट डिजाइन के साथ। इन कैमरों पर आप लोगों AI, HDR, पैनोरमा और ब्यूटी जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एंट्री लेवल सेगमेंट के साथ ठीक ठाक कैमरा सेटअप इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 4000mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को 10W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल चार्जिंग ही इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, और चार्जिंग के लिए microUSB कंपनी उपलब्ध करवा रही है। मतलब आप लोगों को एक दिन का तो बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी उपलब्ध ही करवा देगी। इसके अलावा अगर बात करें इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0, 3.5 mm ऑडियो जैक, फेस अनलॉक जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। और दोस्तों, अगर फाइनली बात करते हैं इस लावा BEU के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह ऑफलाइन मार्केट पर ऑलरेडी स्मार्टफोन उपलब्ध हो चुका है और इसकी कीमत कंपनी ने भारतीय मार्केट में 7,770 रुपये रखी है। इस प्राइस के साथ आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यह बहुत जल्द ही आप लोगों को ऑनलाइन मार्केट में Amazon इंडिया और Flipkart पे भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसकी कीमत अगर 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास होती तो काफी गजब का स्मार्टफोन होने वाला था। दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या है विचार इस लावा द्वारा लॉन्च लावा BEU को लेकर?